एप्सन L130 एक अंडररेटेड बजट प्रिंटर है जो आता है 10,000 के अंदर लेकिन प्रिंट देता है 20,000 के प्रिंटर जैसा। मैं मीन कर रहा हूँ 20,000 का प्रिंटर मतलब L805 एप्सन का और L8050, तो ये दो प्रिंटर जैसा ही प्रिंट निकलता है। तो चलिए देख लेते हैं और क्या क्या ये कर सकता है इस बजट में और ये वैल्यू फॉर मनी एग्जैक्टली है या नहीं, चलिए इस वीडियो में पूरा देख लेते हैं। तो फास्ट आता है इसका टाइप, ये कौन सा टाइप का प्रिंटर है, यह है सिंगल फंक्शन प्रिंटर। इधर आपको इंक टैंक देखने को मिलता है, तो ये सिंगल फंक्शन है मतलब ये कॉपी नहीं कर सकता और स्कैन भी नहीं कर सकता, सिर्फ प्रिंट आउट ही निकल सकता है, ठीक है। उसके बाद आता है इसका प्रिंटिंग रेजोल्यूशन, ये प्रिंटर प्रिंट कर सकता है 5760x1440 DPI पे, जो बहुत ही हाई रेजोल्यूशन होता है एक प्रिंट आउट करने के लिए। जहाँ पे ये जो L805 है और L8050 है वो मॉडल पे भी ये सेम रेजोल्यूशन देखने को मिलेगा आपको, तो ये बहुत ही बढ़िया एक चीज़ है जो इतना कम बजट में एक प्रिंटर पे दे रहा है, तो फोटो प्रिंट के लिए तो बेस्ट है, ठीक है। अगर आप एक फ़ोटो प्रिंटर खोज रहे हैं लेकिन आपका बजट 20,000 उतना ज़्यादा नहीं है, मतलब 10,000 के अंदर बजट है, तो आप ये प्रिंटर ज़रूर बाय कर सकते हो। तो आप इसके नेक्स्ट पॉइंट पर जाते हैं, तो सब कुछ देखने के बाद आपको डिसाइड करना है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है प्रिंट स्पीड, इसका जो प्रिंट स्पीड है वो ब्लैक एंड व्हाइट पे है 27 पेज पर मिनट पे प्रिंट कर सकता है ड्राफ्ट प्रिंट, ठीक है, मतलब ड्राफ्ट प्रिंट पे ये 27 पेज पर मिनट पे प्रिंट कर सकता है और कलर पे 15 पेज पर मिनट पे प्रिंट कर सकता है। तो प्रिंट स्पीड मतलब बहुत ही कम है, मतलब जो 805 है और 8050 जो मॉडल है उससे बहुत ही कम है, और जो मतलब 10 से 20,000 के अंदर जो भी प्रिंटर आता है वो सब में से थोड़ा इसका स्पीड कम है, लेकिन भाई प्राइस भी आप देख लो 10,000 के अंदर है। तो इसका नेक्स्ट पॉइंट है प्रिंट साइज, प्रिंट साइज मतलब ये कितना पेजेस से लेकर कितना पेज तक प्रिंट कर सकता है। ये A5 जो हमारा साइज होता है मतलब सबसे छोटा साइज, तो एकदम A5 से लेकर 8.5x44 इंच तक ये प्रिंट कर सकता है, 44 मतलब लॉन्ग में, ठीक है। अब आता है कुछ वाइटल चीज़ पे जो है ऑटो डुप्लेक्स, ऑटो डुप्लेक्स का इधर है भाई 10,000 के अंदर ऑटो डुप्लेक्स एक्सेप्ट करना भी मतलब गलत है, 10,000 के अंदर ये नहीं हो सकता, तो ऑटो डुप्लेक्स इस पर नहीं है, लेकिन मैनुअल डुप्लेक्स ज़रूर है। तो मैनुअल डुप्लेक्स मतलब प्रिंट एक बार निकलेगा, अगर आप कंप्यूटर से इंटर मारोगे तो फिर से वो पेज को प्रिंटर पे देने से वो डबल साइड निकलेगा, ठीक है। तो डबल साइड प्रिंट इधर है लेकिन मैनुअली। तो और एक वाइटल चीज़ है जो है बॉर्डरलेस प्रिंटिंग, बॉर्डरलेस प्रिंटिंग इस पर नहीं है, मैं इसे एक्सपेक्ट कर रहा था बॉर्डरलेस प्रिंटिंग होगा क्योंकि इधर आपको इतना अच्छा क्वालिटी का फोटो प्रिंट देखने को मिल रहा है, तो बॉर्डरलेस प्रिंटिंग होना चाहिए था लेकिन इधर आपको नहीं देखने को मिलेगा, तो ये थोड़ा एक नेगेटिव पॉइंट है इधर, बॉर्डरलेस प्रिंटिंग इधर आपको नहीं देखने को मिल रहा है। उसके बाद आते हैं कनेक्शन, इधर आपको कौन कौन से डिवाइस से आप इधर प्रिंट कर सकते हो, मतलब कनेक्शन सिर्फ USB है, तो USB है मतलब आप सिर्फ कंप्यूटर से इधर प्रिंट आउट कर सकते हो, तो वाईफाई इधर नहीं देखने को मिला है, सो मोबाइल ऐप से आप प्रिंट आउट नहीं कर सकते, तो इधर एक डिसएडवांटेज थोड़ा है भाई, प्राइस भी देख लो 10,000 के अंदर है, तो ये तो चलता है। अब आता है इसका नेक्स्ट पॉइंट जो है पेज यील्ड, पेज यील्ड मतलब एक बार इंक टैंक फुल करने से आपका कितना पेजेस तक प्रिंट कर सकता है। ये ब्लैक एंड व्हाइट पे प्रिंट कर सकता है 4,500 पेज तक, ये ब्लैक एंड व्हाइट पे प्रिंट कर सकता है अगर आपने एक बार इंक टैंक फुल कर दिया तो, और 7,500 पेज तक ये कलर पे प्रिंट कर सकता है, जो बहुत ही बढ़िया एक चीज़ है। तो अगर आप एक 7 या 8,000 के अंदर एक इंकजेट प्रिंटर देखोगे तो उसका प्राइस मतलब एक कलर प्रिंट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इधर खर्चा लग रहा था, लेकिन इस प्रिंटर पे अगर मैं प्रिंट कॉस्ट की बात करूँ बहुत ही कम है, 10 पैसा लग रहा है एक ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट करने के लिए और 28 पैसा लग रहा है इधर कलर पे प्रिंट करने के लिए, जो बहुत ही कम है। तो इस बजट में इतना कम प्राइस में कैसे प्रिंट आउट निकल रहा है मुझे नहीं पता, क्योंकि ये लोग दे रहे हैं भाई इतना कम बजट में और इतना ज़्यादा प्रिंट आउट कॉस्ट मतलब इतना लो है, तो ये बहुत ही बढ़िया एक चीज़ है। अब नेक्स्ट आते हैं पावर कंज्यूम्पशन, इसका जो पावर कंज्यूम्पशन है वो भी बहुत ही ज़्यादा लो है, ये 9 वाट का पावर कंज्यूम करता है जब ये मतलब प्रिंट कर रहा है, उस वक्त ये 9 वाट का सिर्फ पावर यूज़ करता है, मतलब एक चार्जर भी अभी 33 वाट का आ गया है लेकिन ये सिर्फ 9 वाट का पावर आपका यूज़ कर रहा है, तो बहुत ही कम है। और जब ये स्टैंड बाई मोड पर रहता है मतलब रेडी पोजिशन पर है प्रिंट आउट करने के लिए, तब ये आपका 2.2 वाट का इधर आपका पावर कंज्यूम कर रहा है, और जो स्लीप पोजिशन पर है मतलब ये मतलब सोया हुआ है, ठीक है, तो उस वक्त मतलब 0.6 वाट का इधर आपका पावर कंज्यूम कर रहा है, तो बहुत ही कम है इसका पावर कंज्यूमशन, तो इलेक्ट्रिसिटी तो मतलब बहुत ही बच जाएगा आपका। तो इसका लास्ट पॉइंट पे आता है जो इसका प्राइस, इसका प्राइस आपको मार्केट पे कितना देखने को मिल रहा है, अमेजोन पे अभी मुझे जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अभी देखने को मिला है 9,518 रुपये। तो इसका कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आपको बोल रहा हूँ, अभी आपको चार्ट पे दिख रहा होगा।
तो इसका फर्स्ट हम कुछ डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। तो इसका फर्स्ट डिसएडवांटेज है ये लो स्पीड है, मतलब इसका जो प्रिंट आउट का जो स्पीड है वो लो है। सेकंड है इसका बॉर्डरलेस प्रिंटिंग जो इधर आपको नहीं देखने को मिल रहा है, और थर्ड है इधर आपको वाईफाई देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये एक डिसएडवांटेज है। तो ये तीन डिसएडवांटेज आपको इधर देखने को मिल रहा है, लेकिन इधर आपको क्या क्या देखने को मिल रहा है एडवांटेजेस भी देख लेते हैं। इधर आपको हाई क्वालिटी का फोटो प्रिंट देखने को मिल रहा है, जो ग्लॉसी पेपर पे जो फोटो प्रिंट होता है वो बहुत ही हाई क्वालिटी का देखने को मिल रहा है। और सेकेंड इधर आपको देखने को मिल रहा है एकदम लो इंक कॉस्ट, मतलब इधर आपका पेज पर कॉस्ट बहुत ही कम है। तो ये एक बढ़िया मतलब इधर एडवांटेज है आपका। और थर्ड है लो पावर यूज, इधर आपका प्रिंटिंग करते टाइम इतना कम पावर खींच रहा है, तो इधर आपका इलेक्ट्रिसिटी का भी मतलब बहुत ही ज़्यादा मनी सेव हो रहा है। तो एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है। और फोर्थ है इसका हाई क्वालिटी का ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट एंड कलर प्रिंट। अगर आप A4 पेपर मतलब नॉर्मल जो पेपर होता है उस पर आप प्रिंट आउट करोगे तो बहुत ही अच्छा क्वालिटी का इधर आपको प्रिंट आउट देखने को मिलेगा, जो इस रेंज में बहुत ही बढ़िया एक चीज़ है। तो डिसएडवांटेज और एडवांटेज मिला के मैं एक कंक्लूजन पे आता हूँ, 10,000 के अंदर भाई परफेक्ट है, ले लो, ठीक है। क्योंकि मैं एक साइबर कैफे चलाता हूँ, मुझे पता है फ़ोटो प्रिंट के लिए एक प्रिंटर अलग से रखना चाहिए और प्रिंट आउट के लिए एक अलग से प्रिंटर रखना चाहिए। क्योंकि मैं जब स्टार्ट किया था तो एक ही प्रिंटर जो कैनन का G4010 था उसी पे प्रिंट आउट करता था, फोटोकॉपी भी करता था और फ़ोटो भी निकलता था। तो बहुत ही मतलब फ़ोटो क्वालिटी उतना ज़्यादा अच्छा नहीं आता था और धूल भी बहुत ही ज़्यादा पड़ता था, इसलिए क्योंकि उसे मैं सब काम के लिए यूज़ कर रहा था। तो फ़ोटो प्रिंट के लिए एक अलग से प्रिंटर रखना होगा और उस पर जो फ़ोटो निकलेगा तो वो मिनिमम मतलब 5,700 जो इधर का जो रेजुलेशन है इस प्रिंटर का, इतना तो रेजुलेशन रहना ही चाहिए एक फ़ोटो प्रिंट के लिए। तो ये बहुत ही बढ़िया एक चीज़ है एक प्रिंट मतलब फ़ोटो प्रिंट के लिए। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप बिल्कुल लीजिए, और ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ठीक है। मैं ये मतलब अपने ओपिनियन से आप लोगों को सजेस्ट कर रहा हूँ। तो अगर आप ये ख़रीदना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, आप वहाँ से जाकर इसको देख सकते हैं प्राइस भी, और अगर ख़रीदना चाहते हैं तो ख़रीद भी सकते हैं। तो यहीं पे ख़त्म करते हैं आज का वीडियो। तो ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट में बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।